अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? यकीनन आप सब ठीक ही होंगे। ईद का तीसरा दिन है और हम चारों दोस्त इकट्ठे हुए हैं। आज मलिक उस्मान जो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं उनको मिलने जा रहे हैं रावलपिंडी, तो उनके होटल में जा रहे हैं उनको ईद मिलने, क्योंकि हम ईद में कुछ बिज़ी थे और कुछ वो भी बिज़ी थे। तो आज हम तीसरा दिन है, आज उनको मिलने जा रहे हैं। आज आप लोगों को मैं मलिक उस्मान का होटल भी दिखाऊँगा, आप इंजॉय करेंगे। मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा। बड़ी धूम पिंडी दी, बड़ी धूम पिंडी दी, सोना शार पिंडी दा। ओ मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा। अच्छा, हम दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक गाड़ी आ रही थी, पिकअप गाड़ी। तो उस पर कुछ लड़के होते हैं जो बहुत अजीब ही बहुत मज़े का डांस कर रहे होते हैं उस पर। अच्छा, ये जो सामने नज़र आ, ये मलिक उस्मान का होटल है। तो हम यू टर्न लेके आते हैं, ये यू टर्न लेके हम आए हैं। तो ये सामने जो आपको नज़र आई येलो कलर का, ऊपर लिखा उस्मान होटल, ये उस्मान होटल है। अच्छा, जो हम गाड़ी से उतरते हैं तो हमें सामने से नज़र आ जाता है कि उस्मान भाई नीचे बैठे हुए हैं। तो उस्मान को हम मिलते हैं, तो मलिक वसीम के साथ बैठे हुए हैं, तो मलिक वसीम को भाई को भी मिलते हैं। फिर काफ़ी देर तक हम गप्पे शप्पे लगी रहती हैं, तो बाद में मलिक उस्मान भाई कहते हैं कि चलो ऊपर चलते हैं जी। ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है, पर यह है कि थोड़ी थकावट होती है तो सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है 3 से 4 मंजिल तक। अच्छा, ये ऊपर वाला सेटअप जो है उस्मान भाई ने सिर्फ मेहमानों के लिए बनाया हुआ है, दोस्तों के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अक्सर इनके हर रोज़ डेली मेहमान होते हैं। ये ऊपर आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये ऊपर का इन्होंने सेटअप है जो मेहमानों के लिए दोस्तों के लिए हैं। तो यहाँ पे सब दोस्त गप्पे शप्पे लगाते हैं जब भी इनके पास आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। ईद का तीसरा दिन था और आज इनके होटल के जितने रूम थे वो सब बुक थे, क्योंकि एक तो इनका होटल जो है बहुत अच्छा है, इनके रूम इनके इंतजाम बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर सारा होटल इनका बुक था। अच्छा, अगर होटल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये होटल जो है रावलपिंडी मंडी मोड़ में है। आप भाइयों को मैं रूम नहीं दिखा सका क्योंकि रूम सारे बुक थे, तो इसलिए मैं नहीं जा सका। अच्छा, काफ़ी देर तक हम उस्मान भाई के साथ बैठे थे, गपे शपे लगाई है, तो उस्मान भाई के जो बाकी दोस्त थे वो भी आए, उनसे भी उस्मान भाई ने हमें मिलवाया। अच्छा, ये जो भाई है ये मलिक मानी भाई है जो मलिक उस्मान के छोटे भाई है, तो ये भी आए हैं, इनसे भी हम मिले। अच्छा, तो दोस्तों मैं माजरत करता हूँ, मैं मलिक उस्मान के होटल के जाते वक्त की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये थोड़ी सी वीडियो अगले दिन की है, जो कि मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि मेरे वीडियो के लिए बहुत ही छोटा हो जाता, तो मैंने इसलिए थोड़ी 5 मिनट की वीडियो रखी। ये भाई हम जा रहे हैं महफिल होटल में दम पुख्त के लिए। तो भाइयों, ये वाकेंड का एक होटल है, महफिल रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ पे आते हैं दम पुख्त के लिए। ये यहाँ का दम पुख्त बहुत मशहूर है। तो अच्छा, तो इस होटल में मेरे साथ आते हैं रहीम भाई है, यूसुफ भाई है और रहमतुल्ला मेरे साथ आते हैं इस होटल में। तो हम फतेह जंग से आए थे प्लेटर के लिए, जो यहाँ के बहुत ही स्पेशल है, जो कि दम पुख्त प्लेटर है, तो हम उसके लिए स्पेशल है। तो हमने ऑर्डर प्लेटर का दिया, तो उन्होंने कहा 40 मिनट आप वेट करें, आपके सामने होगा। तो भाइयों, दम पुख्त प्लेटर हमारे सामने आ जाता है, तो आप देख के ही मज़ा ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।